Hello children, welcome all of you in our channel. Today we will discuss class 6 chapter 12, the Song of Songs. The Guru-Shishya relationship is symbolized by respect and true devotion. Guru aur Shishya ka sambandh pratik hai samman aur satya भक्ति का. डिवोशन भक्ति रेस्पेक्ट सम्मान सिंबलाइज्ड प्रतीक है रिलेशनशिप संबंध का गुरु शिष्य का. दिस इज ए एविडेंट, यह एक प्रमाण है. दिस इज एविडेंट इन द रिलेशनशिप ऑफ तानसेन एंड हिज गुरु संत रविदास. यह प्रमाण है गुरु संत रविदास और उनके शिष्य तानसेन के मध्य का. Slowly, gently, the exhausted musician led his tanpura, धीरे और सज्जनता के साथ प्रेम से the exhausted थका हुआ musician संगीतकार led his tanpura, अपने tanpura को लेते हैं. tanpura an Indian musical instrument, tanpura नामक एक वाद्य यंत्र होता है जिसको लेकर बजाने के लिए तैयार होते हैं. on the carpet गलीचे पर बैठकर द एक्सक्विसाइट स्ट्रेन. एक्सक्विसाइट मीन्स स्ट्रेंस ब्यूटीफुल साउंड ऑफ म्यूजिक, सुंदर संगीत की आवाज ध्वनिया. ऑफ राग दरबारी स्टील वाइब्रेटेड विथ इन द हॉल. और उन्होंने अपने तानपुरा पर छेड़ दिया राग दरबारी को, राग दरबारी की ध्वनियों को, और वहाँ आवाज गूंजने लगी हाल में. एम्परर अकबर locked up his eyes. Emperor Samrat Akbar ने अपनी आँखों को ऊपर उठाकर देखा. Head with admiration, प्रसन्नता के साथ. Wonderful, आश्चर्यजनक. He said, उन्होंने कहा. Superb, बहुत अच्छा. I listen to you every day. मैं रोज आपको सुनता हूँ. But I cannot seem to have enough. यह पर्याप्त नहीं है. Then Tansen loved in silent gratitude. Tansen ने साइलेंट मुक्ता में कृतज्ञता को व्यक्त किया. आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सैड अकबर. अकबर ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है संसार में सबसे सुंदर है. बट आई डू नॉट, मैं ऐसा नहीं समझता. सहनशाह सैड तानसेन विथ स्माइल, हंसकर तानसेन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं समझता कि संसार में सबसे सुंदर मेरी आवाज़ है. देयर इज समवन एल्स हु सिंग फार बेटर देन आई डू. और कोई है संसार में जो मुझसे अच्छा गा सकता है. रियली, सच में. क्राइड दिस बिलीविंग अकबर. अकबर अविश्वसनीय भाव, दिस बिलीविंग अर्थात अविश्वसनीयता के साथ अकबर ने कहा. सच में. देन फिर. आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट. मैं चाहता हूँ कि वह मेरे दरबार में गाएं. कैन यू अरेंज इट, क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं. तानसेन शॉक थे. तानसेन ने अपने सर को हिलाया. आई एम अफेयर्ड ही विल नॉट कम सर. मुझे डर है कि वह नहीं आएंगे. सर, वर्ड इज यूज एड्रेस टू किंग. सर का उपयोग यहाँ पर राजा के लिए किया गया है. वाट नॉट इवन इफ ही हेयर दैट द एम्परर हिमसेल्फ समर्ड. यदि वह सुने कि सम्राट ने स्वयं ही उनको बुलाया है अपने दरबार में. समर्ड ऑर्डर टू अपेयर इन द कोर्ट, दरबार में आने के लिए हिम उनको. फिर नॉट इवन देम, फिर भी नहीं आएंगे. द रिप्लाई वुड हैव एनराइज एनी अदर एम्परर. यह जो उत्तर है किसी भी सम्राट के लिए क्रोध लाने वाला होगा. बट अकबर वाज डिफरेंट, लेकिन अकबर जो थे कुछ अलग थे. वेरी वेल, उन्होंने कहा. बहुत अच्छा उस्ताद जी. उस्ताद जी दैट मीन्स टर्म टू यूज रेफर अ सीनियर म्यूजिशियन, एक बड़े संगीतकार के लिए उपयोग किया जाता है. सैड अकबर. अकबर ने कहा स्माइलिंग हंसते हुए. इन टू तानसेन. तानसेन हाल्फ सैक्रेडाइज, हाल्फ अर्थात थोड़े भयभीत अवस्था में थे तानसेन. उनसे अकबर ने कहा इफ ही वुड नॉट कम, अगर वह नहीं आएंगे. आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, मैं उनके पास स्वयं जाऊंगा. विल यू टेक मी हिम टू हिम, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे. यस सर, हाँ. प्रोवाइड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, आप वहां पर एक भारत के सम्राट बनकर नहीं जाएंगे. आई शैल बी अ हम्बल ऑफ लवर ऑफ म्यूजिक, हम वहाँ पर जाएंगे एक संगीत के प्रेमी बनकर. संत रविदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ.
संत रविदास के बारे में यहाँ पर तानसेन बता रहे थे। ही हैड मीन तानसेन म्यूजिक टीचर, वह जो थे तानसेन के संगीत के गुरु थे। एंड ही लिव्ड इन द अस्ट्री, वह तप करते थे, तपस्या करते थे। अस्ट्री नथिंग दैट गिव्स प्लेजर, अर्थात तपस्वी जीवन जीते थे। तपस्वी का मतलब होता है जिसको किसी प्रकार की संसारी वस्तुओं में आनंद नहीं मिलता। लाइफ ऑफ हर्मिट, एक साधु का जीवन बिताते हैं। हर्मिट दैट मीन्स पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है। व्हेन तानसेन एंड द एम्परर, जब तानसेन और सम्राट अकबर रिच डे हिज हट, उनकी झोपड़ी में पहुंचे। ही वॉज बिजी विथ हिज डेली चोर्स, वह अपने प्रत्येक दिन के पूजा पाठ में व्यस्त थे। व्हेन द दे आस्क्ड हिम टू सिंग, जब उन्होंने गाने के लिए कहा, ही स्माइल्ड वहाँ से बट सैड फॉर्मली, दृढ़ता से कहा, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज ऑफ सिंगिंग, मुझे बहुत लंबा समय बीत गया गाते हुए। इवन हिज फेवरेट पुपिल, जब उनका मनपसंद शिष्य है, कुड नॉट परस्यू, उनके ऊपर जोर नहीं डाल सकता, टू चेंज हिज माइंड, उनके मन को बदलने के लिए। बट तानसेन नो, लेकिन तानसेन जानते थे हाउ टू गेट अराउंड हिम, कि किस प्रकार से उनके पास जाया जा सकता है या फिर उनसे गाने के लिए कहा जा सकता है। ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु, उनको कहा गया कि वो अपने गुरु के सामने गाएं। एंड ही मेड ए डिलीवरेटली मिस्टेक एज ही सॉन्ग, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो कई बार उन्होंने गाने में कई गलतियां की। दिस इज ए नॉट द राइट टोन, यह सही स्वर लहरी नहीं है। राइट नोट दैट मीन सिंगल साउंड ऑफ पार्टिकुलर लेंथ, किसी प्रकार की विशेष ध्वनि। तानसेन क्राइड हिज टीचर अमेज्ड, तानसेन को उनके गुरु ने कहा आश्चर्य के साथ, व्हाट हैज हैपेंड टू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तानसेन परटेंटेड नॉट टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, तानसेन ने बहाना किया, परटेंट मीन्स बहाना किया, नॉट टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, कि वह अपने गुरु की बात को नहीं समझ रहे। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, वह बार बार अपनी गलती को दोहराते रहे। एक्सपर्टेड, एक्सपर्टेड मीन्स एक्सट्रीमली, एंड अत्यधिक चिंतित हो गए संत रविदास। टॉक द तानपुरा, उन्होंने तानपुरा ले लिया फ्रॉम द तानसेन हैंड, तानसेन के हाथों से। एंड संग द राइट नोट, और उन्होंने सही स्वर लहरियों को गाया। देन ही वेंट ऑन द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और इसी प्रकार से आगे और आगे गाते गए। द मेलोडी ऑफ हिज वॉइस, उनके आवाज़ की जो धुन थी, सेपरेट अक्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल में चारों तरफ फैल गई, लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ द डॉन, जैसे कि प्रातःकाल की सूर्य की किरण होती है। आर द फ्रैग्रेंस ऑफ जैसमिन, अथवा चमेली की खुशबू, फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू। बोथ अकबर एंड स्ट्रॉन्ग अफेक्ट, दोनों पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ऑन देम दैट दे तानसेन लिसन टू हिम, तानसेन उनके सुना। एज इफ दे वेयर हैप्नोटाइज, जैसे कि वो लोग सम्मोहित हो गए। हैप्नोटाइज दैट मीन्स द म्यूजिक हैड सच स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, कुड नॉट पे अटेंशन टू एनी थिंग्स, सम्मोहन का मतलब होता है कि संगीत में खो गए बिल्कुल, फिर उसके बाद किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। एंड द एम्परर रियलाइज, और एम्परर जो सम्राट अकबर थे, समझ गया दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रुथ, तानसेन ने सत्य कहा था। ही हैड नॉट नोन दैट द म्यूजिक टू कुड बी लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसा म्यूजिक संगीत नहीं सुना था। ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कभी संगीत नहीं सुना था जैसा कि गुरु हरिदास ने सुनाया। एज दे वॉक बैक, जब वो वापिस आ रहे थे, द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस, उन्होंने मौन को तोड़ा। सम्राट ने अचानक कहा, आस्क तानसेन, तानसेन से पूछा, व्हाई कैन नॉट यू सिंग लाइक हिम, उस्ताद जी तुम उस्ताद जी की तरह क्यों नहीं गाते हो। तानसेन स्माइल, तानसेन हंसते हुए कहा, झांसा आई सिंग एट योर कमांड, मैं आपके आदेश पर गाता हूँ। कमांड ऑफ द एम्परर, सम्राट के आदेश पर। ऑफ द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सम्राट के आदेश पर मैं गाता हूँ। बट गुरु जी सिंग फॉर वन हु इज किंग ऑफ किंग, गुरु जी केवल उसके लिए गाते हैं जो राजाओं का भी राजा है। हिज म्यूजिक स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, उनका संगीत की जो स्वर लहरियाँ हैं वह उनकी आत्मा के गहराई से निकलता। फ्री एंड अनसेकंड, स्वतंत्र और बिना किसी के कहे। हाउ कैन माई म्यूजिक होप टू रीच दो थिंग, और मेरे संगीत कैसे उस स्तर को या उस शिखर को प्राप्त कर सकता है। दिस स्टोरी इज कम्प्लीट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम। अगर आपने कोई इसमें समस्या नहीं समझ पाए, कमेंट करें, शेयर करें, और आप पूछ सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।